उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहकर राजनीति करने वाले पूर्व पार्षद सत्यनारायण भोले का निधन अचानक हो जाने की वजह से संपूर्ण जिले के अंदर और माली समाज के अंदर शोक व्याप्त हो गया है। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही मानो शोक का माहौल बन गया। शुभचिंतकों को वैसे ही बड़नगर पहुंचकर उनके निवास स्थान पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई और बड़नगर शहर के मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला भी पहुंचे और साथ ही में शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। भोला भैया ने काफ़ी राजनीति में एक नम्रतापूर्वक काम किया है, उनके निधन के बाद किस प्रकार से एक पार्टी के लिए क्षति है और क्या है? सत्यनारायण भोला की ईमानदार और सरल कार्यकर्ता था, गरीब परिवार का था। 1995 में मेरे साथ पार्षद भी रहा और पार्षद के रूप में भी उसने नगर में उसके वार्ड में अच्छी सेवा करी। भारतीय जनता पार्टी एक सच्चा सिपाही, अच्छा कार्यकर्ता था, ईमानदार कार्यकर्ता। आज मैं स्वयं और अपने परिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा प्रार्थना करता हूँ कि उनके चरणों में अपना स्थान दें। ओम शांति। जिस प्रकार से भोला भैया ने काफ़ी काम किया है पार्टी के लिए भी, और किस प्रकार से पार्टी के लिए एक क्षति हुई है और क्या रहा? भोले भैया पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जुझारू कार्यकर्ता थे और पूरी लगन और निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा कर रहे थे। आज उनका अचानक चले जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति करने में बड़ी समस्या आएगी या पूर्ति ना भी हो। ऐसे कार्यकर्ता पार्टी को बहुत कम मिलते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, सराफा सूरी की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।